शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? तुम जीवित हो? आश्चर्य में क्यों पड़ गई? अरे हाँ, ये तो होना ही था। तुम दोनों ने इतनी मेहनत जो की उस गुड़िया को जलाने में। सुनेला, छोड़ दो हमारी सुनेला को। ऐसे मानना पड़ेगा, अभिनय अच्छा किया तुम दोनों ने। हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये हमारी कठपुतली नहीं वास्तविक सुनैना है, लेकिन गलती कर बैठे तुम दोनों। हमारा पीछा करते करते उस गुप्त स्थान तक आ गए जहां हमने हमारे प्राण कैद करके सुरक्षित रखे थे, और तभी हमारी शक्तियों ने वहां तुम्हारी उपस्थिति का आभास हमें करा दिया था, और इसलिए हमने हमारे प्राण कहीं और कैद कर दिए और मकर केतु से कहा कि तुम दोनों को खत्म कर दे। लेकिन अफसोस, तुम दोनों बच गए, पर अब नहीं। छोड़ दो हमारी सुनैना को, छोड़ दो। मरने से पहले एक सीख हमसे लेती जाओ सुनैना। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं, होशियारी तो बिल्कुल भी नहीं। सुनैना को, नाम से बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दो। किसी ने सही कहा, ये प्रेम चीज ही ऐसी होती है, इंसान को मूर्ख बना देती है। छोड़ दो सुनैना। अपनी जान से ज्यादा तुम्हें अपनी पत्नी की जान की चिंता है। आय हाय, कितने फड़फड़ा रहे, जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर जादुई रस्सी से बंधे, कितनी भी कोशिश कर लो खुलेंगी नहीं। इसलिए शांति से अब अपनी पत्नी को मरते हुए देखो। छोड़ दो हमारी सुनैना को, छोड़ दो हमारी सुनैना को, छोड़ दो। चलो ठीक है, छोड़ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। सुनैना को कुछ नहीं होना चाहिए, छोड़ छोड़ दो उसे। नहीं अधिराज, इसकी बात मत सुनो। नहीं नहीं सुनो, क्या क्या चाहती हो तुम मुझसे? शर्त ये है कि तुम्हारे पास जो कालस्त्र का भाग है उसे निकाल कर तुम खुद अपनी मर्जी से हमें सौंप दो। बिल्कुल नहीं अधिराज, इसकी बातें मत सुनो, वरना वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे पास सुबह तक का समय है, काली गुफा में आकर कालस्त्र का वो भाग हमें दे दो, वरना तुम्हारी सुनैना। भले ही आज मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं तुम्हें अधिराज से कालस्त्र लेने नहीं दूंगी। प्रेम की भी अजब कहानी है,
अधिराज तुम्हारे लिए मरने को तैयार है और तुम अधिराज के लिए मरने को तैयार हो। अब ऐसे में हमें किसी को तो मारना ही पड़ेगा ना। तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी हमारा। अच्छा तो सुन लो, अगर तुम्हारे अधिराज ने हमें कालस्त्र का वो भाग नहीं दिया तो इसी अग्नि कुंड में तुम्हें जलाकर खाक कर देंगे हम। हम आ गए मंत्र लेखा। अधिराज सुनो ना। आइए राजा साहब, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वाह क्या प्रेम है आपका। तुम जैसे शैतानों को ना प्रेम का अर्थ पता है और ना ही उसकी ताकत। अब अगर हमारी बात ना मान के आप हमें ऐसे क्रोध दिलाते रहेंगे तो हमें तो आपकी सुनैना को मारना पड़ेगा ही। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम आपको कालस्त्र दे देंगे पर आप सुनैना को मुक्त कर दो। नहीं अधिराज, इसकी बात मत मानो और आप मेरी चिंता मत कीजिए। अब जाइए यहाँ से। सुनैना, आपको कालस्त्र चाहिए ना, हम देंगे आपको पर हमारी सुनैना को मुक्त करना होगा अभी। ना ना राजा साहब, ऐसा नहीं होगा। पहले आप हमें कालस्त्र देंगे, उसके बाद हम सुनैना को मुक्त करेंगे। नहीं अधिराज, समझो मेरी बात को, उस कालस्त्र से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है मेरी जान। जान बचाने के लिए आप पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते। सुने ना, मेरे लिए मेरी दुनिया तुम हो। हम कालस्त्र के बिना भी जी सकते पर तुम्हारे बिना नहीं। बस 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 बस, इतनी प्रेम भरी बातें सुन सुनकर हमारे कान से खून निकलना शुरू हो जाएगा और हमें दर्द होगा। आप तो जानते हैं हमें दर्द नहीं कालस्त्र चाहिए। नहीं अधिराज, जल्दी सिद्धि कार्य प्रारंभ करना होगा ताकि ये कालस्त्र जागृत हो जाए। रुक जाओ,
पहले हमारी सुनैना को छोड़ दो। आपको क्या लगा हम मूर्ख हैं? नहीं नहीं, मूर्ख तो आप हैं, जिसने शैतान पर भरोसा कर लिया। आपको क्या लगा हम सुनैना को जाने देंगे? नहीं, ये बहुत बड़ी आफत है, इसे तो हम मार कर रहेंगे। वनराज! ना राजा साहब, ना। अब आपके पास ना कालस्त्र और ना कोई शक्ति, अब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चिंता ना करें, आप दोनों जोड़ों को हम अधिक इंतजार नहीं करवाएंगे। आप दोनों की समाधि यहीं बनाएंगे एक साथ। बस थोड़ा सा इंतजार राजा साहब, क्योंकि पहले हम आपकी सुनैना को मारेंगे, नहीं, फिर पीछे पीछे आपको भी भेज देंगे। थोड़ा सा इंतजार।